आपका क्वेश्चन है, अ सर्कस टेंट है सिलेंड्रिकल शेप सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल रूफ। ठीक है, तो देखो इसने क्या कहा है, द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस इज 20 मीटर, द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल पोर्शंस आर 4.2 मीटर एंड 2.1 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। ठीक है, तो इसने देखो सबसे पहले क्या कहा है कि सर्कस टेंट है हमारा कैसा है, कॉनिकल एंड सिलेंड्रिकल शेप, तो कहां पर है, सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल रूफ, दैट मींस आपका ये वाले शेप में है, दिस इज योर रूफ और ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है, तो टेंट इज इन दिस शेप। ठीक है, इस शेप में। अब इसने देखो इसके मेजर्स क्या दिए हैं, द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बेस इज 20 मीटर, तो रेडियस इज 20 मीटर, तो आर इज इक्वल टू 20 मीटर, तो यू कैन सी रेडियस यहां पर भी आपका 20 मीटर ही रहेगा ऊपर भी, है ना। तो अब आपका देखो क्या हो गया, कोन का रेडियस भी 20 मीटर हो गया, हमको ये याद रखना है। ठीक है ना, और देखो क्या दिया है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड कॉनिकल पोर्शंस आर 4.2 मीटर एंड 2.1 मीटर रेस्पेक्टिवली, दैट मींस आपका सिलेंडर का हाइट इज 4.2 मीटर, एच इज इक्वल टू 4.2 मीटर्स, और इसको हम ले लेते हैं कैपिटल एच, तो ये है आपका 2.1 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालना है आपको, तो क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ठीक है, तो वही हम लिखते हैं यहां पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एंड कैपिटल एच, है ना, क्योंकि दोनों के आर सेम है इसलिए मैंने स्मॉल लिखा एंड एच आर डिफरेंट अलग लिख दिया। अब दोनों में कॉमन क्या है वो हम बाहर निकालते हैं, तो कॉमन इज पाई, आर स्क्वायर इज कॉमन, तो यहां पर बच गया एच प्लस कैपिटल एच बाई थ्री। ठीक है ना, अब इसके अंदर वैल्यू आप पुट करो, देखो क्या आ रहा है, तो पाई इज 22/7, आर स्क्वायर दैट मीन्स 20 × 20, ठीक है, फिर ब्रैकेट एच इज 4.2 प्लस एच इज 2.1/3, तो ये देखो कट रहा है ना, तो क्या हो गया 0.7, तो 3 से कट किया हमने इसको, ये आ गया आपका 0.7, तो अब देखो क्या हो रहा है, ये 22/7 × 20 × 20 × 2 4.2 एंड 0.7 कितना हो गया, 4.9। 4.9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 49/10, है ना, तो सेम चीज हम लिखेंगे 49/10। अब कट करो तो देखो क्या आ रहा है आपका, 7 एंड 49 कट गया, 7 टाइम्स 0 एंड 0 गॉन, तो अब कितना हो गया, 22 × 40, 22 × 40 × 7 दैट इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 880 × 7 दैट इज इक्वल टू 0.56, 5 कैरी 56 61, 6160 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको निकालना है।